वेलकम गाइज, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो हम लोग फिर से रेडी हो गए और कहीं जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं चलिए आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग तुरंत निकले हैं घर के नीचे, ये देख सकते हैं। तो आगे पीछे हम लोग हैं, आगे राज और बाबू भी हैं। चलिए दिखाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तब तक बने रहिए। तो अभी जस्ट हम लोग लॉन्च घाट पर पहुँच चुके हैं, और अब आगे टिकट काउंटर से टिकट लेके अहिटोला घाट में भी जाएंगे। वहाँ से भूटान मंदिर 5 मिनट के रास्ते पे ही है। ये हम लोग आते आते ही लॉन्च भी आ गया है, तो ज़्यादा देर तक हम लोग बांधा घाट से लॉन्च पार कर चुके हैं और अहिटोला भूतला घाट पहुंच चुके हैं, मतलब भूतनाथ के तरफ, इस तरफ पहुंच चुके हैं मंदिर के तरफ। चलिए चल रहे हैं आगे, और देख सकते हैं अभी गंगा का पानी बहुत ही ज़्यादा सूख चुका है, अभी बहुत दूर है, पर ये ऐसा रहता है कि यहाँ तक भरा रहता है ये पानी, अभी बहुत सूखा हुआ है। चलिए मंदिर पहुंच कर दिखाते हैं आपको मंदिर के आगे का सीन। अब वीडियो को मंदिर से कंटिन्यू करेंगे। और ये देखिए यहाँ से बगल से ट्रेन भी जा रही है, जो यहाँ से प्रिंसेप घाट के लिए जाएगी। और यहाँ पे जो ये स्टेशन है उसका नाम ही है अहिटोला स्टेशन। और ये रहा सामने कोलकाता पुलिस नॉर्थ फोर्ट पुलिस स्टेशन, ये बूथ बनाया हुआ है पब्लिक की सुविधा के लिए। और ये मंदिर के सामने सारे पूजा सामग्री की दुकानें हैं, अगर आपको कुछ भी पूजा के सामान लेने हैं या चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हम लोग मंदिर के सामने ही हैं जस्ट, देखिए मंदिर, ये रहा बाबा अमरनाथ का मंदिर, और लोगों की भीड़ भी लगी हुई है पूजा करने के लिए। भूतनाथ मंदिर, ये मंदिर वेस्ट बंगाल कोलकाता में स्थित है, और ये मंदिर ऐसी मान्यता है कि 300 साल पुरानी ये मंदिर है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए सुबह 4 बजे से मंदिर खोल दिया जाता है, और मंदिर खोलते ही मंगल आरती होती है। मंगल आरती के बाद सुबह 6 बजे भस्म आरती की जाती है। 6 बजे के बाद 12 बजे बाबा को भोग चढ़ाया जाता है, पूड़ी खीर और हलवे का। उसके बाद 12 बजे के बाद फिर बंद कर दी जाती है मंदिर के कपाट, और 4:30 बजे फिर से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया जाता है। उसके बाद रात 8 बजे फिर से भस्म आरती की जाती है, और जब रात 10 बजे मंदिर बंद किए जाते हैं तो गांजा और भांग का भोग चढ़ाया जाता है बाबा को। यह मंदिर ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर बहुत मान्यता वाली मंदिर है, अगर मन से बाबा से कुछ भी मांगा जाए या पूजा किया जाए तो बाबा ज़रूर सुनते हैं। यहाँ हमेशा बहुत भीड़ रहती है, बहुत श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा यहाँ रहती है, और शिवरात्रि के टाइम और सावन के टाइम यहाँ अद्भुत मेला, अद्भुत ये देखा जाता है, बाहर मेला जैसा लगा रहता है हमेशा, और बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है हमेशा। बहुत मान्यता है यहाँ मंदिर की, श्रद्धालु हमेशा यहाँ एकत्रित रहते हैं। तो आपको भी अगर मौका मिले या फिर कभी भी यहाँ आए तो ये मंदिर ज़रूर आए, आके मन को भी बहुत शांति मिलती है। इसके बगल में ही थोड़ी सी आगे जा थोड़ा आगे जाके शमशान भी है, जहाँ से बाबा की भस्म आरती के वहाँ वहीं के राख लाके बाबा की भस्म आरती भी की जाती है। तो आगे आप ये वीडियो में देखें। हम लोग दर्शन कर लिए अच्छे से, मम्मी राखी ये लोग अंदर जाके आए हैं, मैं भारी खड़ी थी,
दर्शन हो गए। अब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे मोटा बाबा की तरफ। चलिए चलते हैं। वहाँ से सीधा निकले और इधर सीधा इस तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ। एरो बना हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है। जो लोग पहली बार जा रहे हैं वो लोग भी जा सकते हैं, पूछ पूछ के थोड़ा फॉलो करके। ये सब अभी भी भूतनाथ आए तो यहाँ ज़रूर आए। मोटा बाबा बोला जाता है कि ऐसी मान्यता है कि ये हर साल थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, और ये है भी बहुत बड़ी। और पूजा भी सीढ़ी में चढ़ के किया जाता है, ऊपर से बहुत बड़ी है शिवलिंग। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ भी शिवलिंग है अंदर में। ये आ गया मंदिर, ये बहुत पुरानी मंदिर है, देखिए पेड़ में। ये मंदिर देख सकते हैं, ये बहुत पुरानी मंदिर है। ये बाहर नंदी देख सकते हैं, कितनी इतनी अच्छी लगती है मंदिर देख के, बिल्कुल लगता है पुराना। बहुत अच्छा वाइब आता है यहाँ। नंदी देखिए, ऐसा लगता है ऐसे बनाया गया है, कितनी खूबसूरत। बहुत पुरानी मंदिर है। ये देखिए बाबा कितने बड़े हैं। जय, नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो। जय माँ, हम लोग का दर्शन पूरा हो गया। हम लोग भूतनाथ टेम्पल देख लिए, मोटा बाबा की तरफ से आ गए। यही रास्ता है, वो गली जो दिख रही है। अब घर की तरफ चलेंगे। चलिए घर की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना। थैंक यू।